हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप शर्मा अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये क्या है। ये है बनाना पील्स जो मैंने कुछ इसमें भी काट कर डाले हुए हैं। आप सोच रहे होंगे ये काट कर क्यों डाले हैं। हाँ, इसका काट कर डालने का एक कारण है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोग बनाएंगे बनाना टी, चाय। हाँ, लेकिन ये आपके लिए नहीं होगी। ये होगी हमारे प्लांट्स के लिए बनाना टी। जिस तरीके से हमें भी चाय चाहती है, चाय कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने पौधों को भी हमें देखना चाहिए। हाँ, असल में ये जो बनाना टी हम लोग बनाएंगे, ये एक फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट्स के लिए और बहुत ईजी है। केले खाइए, उसके पत्ते इकट्ठे कीजिए, उसके छिलके, और वो छिलके काट के इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिए। अब ये इकट्ठा आपने कर लिया, अब इसमें हमने क्या करना है। हाँ, तो फ्रेंड ये बनाना पील हम लोगों ने काट के इसमें डाल लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसमें, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं। हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। जी फ्रेंड, इसमें हमने पानी मिक्स कर दिया और इसको हम 3 दिन के लिए छोड़ देंगे किसी छाया वाली जगह पे। थोड़ा सा ढक देंगे तो डस्ट नहीं गिरेगी और ये हमारी बनाना टी जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड, तो आपको बता दूं कि ये जो बनाना पील्स हैं, दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। ये दे कंटेन पोटाशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम, और भी कई इसमें मिनरल्स होते हैं। और दे कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है। जो पोटाशियम है, इट्स हेल्प्स टू आवर प्लांट टू ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर स्टीम्स। इनके तनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है पोटाशियम प्लांट्स के लिए। और जो फास्फोरस है वो टू बिल्ड हेल्दी रूट एंड शूट्स, इसकी शाखाएं और जो इसकी जड़ें हैं उसको हेल्प करता है बिल्ड करने में। और जो कैल्शियम है वो रूट और स्टीम को तो स्ट्रेंथन करता ही है, और कैल्शियम ब्रेकिंग डाउन द सॉयल फॉर न्यूट्रिएंट, उसमें न्यूट्रिएंट बनाने में और उनको अलग करने में कैल्शियम का एक बड़ा अच्छा रोल रहता है। और जो मैग्नीशियम है वो सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा पत्ते जो हैं वो धूप से अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं, तो वो उसको बिल्ड करने में मैग्नीशियम जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये जो बनाना पील्स हैं, ये बहुत रिच सोर्स है, एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये, और हमें यूज़ करना चाहिए। और जब आप ये डालेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि 3 दिन बाद क्या हुआ, पानी कैसा हो गया और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो 3 दिन तक आप वेट करिए, मैं भी वेट करता हूँ, और जो ये प्रोसेस है इसको चलने देते हैं और मिलते हैं 3 दिन के बाद। बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, 3 दिन हो गए हमें इस बनाना पील को पानी में डाले हुए। ये आप देखिए कि क्या चेंजेस इनमें आए हैं। कलर जो है वो चेंज हो गया है, आप देख रहे होंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ। शीशे के बॉल में हम इसको डालते हैं और देखते हैं कि क्या कलरिंग आई है, क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गया है
और ये हमारा फर्टिलाइज़र जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। अच्छा तो फ्रेंड्स अब इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है इसको यूज़ करने का। आप क्या करेंगे कि हम इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो ये 1 लीटर जो ये हमारा फर्टिलाइज़र है इसको हम 5 लीटर पानी के अंदर मिक्स करेंगे, और जैसे हम पौधों को पानी देते हैं उस तरीके से हम लोग पानी दे देंगे। सेकंड तरीका ये है कि हम डायरेक्ट जो है ये फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, लेकिन ये क्वांटिटी हम बहुत कम यूज़ करेंगे जब हम पौधों को डालेंगे। तो आप ये देखिए कि तकरीबन अगर कोई बड़ा पॉट है उसमें तो 2 कप, 2 छोटे कप, और अगर छोटा पॉट है तो उसके अंदर 1 कप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम डायरेक्ट ये फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे पॉट्स में तो इसको डालने के तकरीबन 2 घंटे तक आपने पानी नहीं डालना है, ताकि इसके जो न्यूट्रिशन चीज़ें हैं वो जो सॉइल है उसको ऑब्ज़र्व कर ले, उसके बाद आप पानी डालें। अदरवाइज़ अगर आप साथ ही पानी डाल देंगे तो होगा क्या कि वो सब पानी के साथ बह जाएगा, जितना एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाएगा। तो आपने जब ये 1 या 2 कप जब हम डालेंगे उसमें, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है इस फर्टिलाइज़र के। तो होगा क्या कि ये हम डालेंगे और उसके 2 घंटे के बाद हम पानी को डालेंगे। और अगर आप 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र और 5 लीटर पानी ये मिक्स करके डालते हैं, तो जैसे हम गमलों में पानी हम डालते हैं उस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा आप देखेंगे कि बच गया ये पील, ये बनाना पील है जो हमारा बच गया है, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको आप क्या करिए कि अपने गमले के अंदर थोड़ा सा मिट्टी खोद के इसको डाल दीजिए, और ये भी हमारा फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल होगा। तो होपफुली फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम की भी होगी। जिन लोग के पास खाद नहीं है या कंपोज बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाज़ार से लाना मुश्किल है, तो ये बहुत आसान सा काम है। केले खाइए, उसके छिलके को बचा के रखिए, पानी में डाल दीजिए, 3-1 दिन तक आप उसको रखिए, उसके बाद उसको छान लीजिए और वो पानी इस्तेमाल कर लीजिए। इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बता दिया है। होपफुल फ्रेंड्स आप होपफुली आप इसको यूज़ करेंगे और इसका बेनिफिट भी आप देखेंगे। विद इन वीक आप देखेंगे कि पौधे जो है ब्लूम करना शुरू कर देंगे, फ्लावर वाले हैं तो अच्छे फ्लावर्स आपको मिलेंगे, पत्ते शाइन करने लग पड़ेंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून।